नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं और 81 सीटों के लिए यहां पर बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। सट्टा बाजार के आंकड़ों ने सब कुछ चौंका दिया है, क्योंकि यहां पर जो आंकड़े हैं वो अचानक से बदलते नजर आ रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से अब तक 4 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, केवल और केवल 1 चरण का ही मतदान बाकी है। लेकिन 4 चरणों के आधार पर ये तय हो जाएगा कि झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, क्या गठबंधन को यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो सरकार बनाने के लिए दिखाए जा रहे हैं, या फिर बीजेपी एक बार फिर से जो उनका वादा है, जो उनका यहाँ पर नया नारा है कि अब की बार 65 पार तू फलोदी सट्टा बाजार, क्या आंकड़े यहाँ पर दिखा रहा है। या दोस्तों इस बार यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर यहाँ पर 18 सीटों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इन 18 सीटों के लिए अगर मुस्लिम वोटर जो है वो बढ़ जाते हैं तो इसका फायदा किसको होगा, आगे आपको दिखाएंगे आंकड़े। और अगर यहाँ पर बात करें तो 4 बड़ी सीटों पर भी वोटिंग संपन्न हो चुकी है। सबसे बात करें तो दिल्ली विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर सुदेश महतो की ये परंपरागत सीट है, और इस सीट पर भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इनका फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। हालांकि यहाँ पर सुदेश महतो अकेले ही चुनावी मैदान में है, बीजेपी से अलग हो चुके हैं, तो उनको कितनी सीटों का फायदा होगा या फिर वो 5 सीट पहले जो हासिल की थी वो कर पाएंगे या नहीं, आगे आपको आकर दिखाएंगे। धनबाद यहाँ पर विधानसभा सीट के लिए तो बाबूलाल मरांडी के लिए परंपरागत सीट है, और सीट पर भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आंकड़े क्या यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों जमशेदपुर पूर्वी सीट जो है बेहद ही दिलचस्प सीट है, क्योंकि उनके ही मंत्री अब उनके ही खिलाफ है, और यहाँ पर अगर बात करें तो रघुवर दास के लिए सीट बचाना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये सीट बीजेपी से चली जाती है तो फिर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान झारखंड के अंदर हो सकता है। दुमका विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर चुनाव अभी बाकी है, लेकिन ये सीट भी काफी दिलचस्प रहेगी। इसके आंकड़े क्या निकल कर आते हैं वो तो आगे आपको इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन अब तक 63 सीटों का मतदान हुआ है, और 2014 के भी अगर आंकड़े को दिखा दें तो 37 सीटें बीजेपी को मिली है, और झारखंड का ये इतिहास है कि अब तक किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार अब तक झारखंड में नहीं आई है, अब तक गठबंधन की ही सरकार बनती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले दम पर चुनावी मैदान में है। तो क्या आंकड़े यहाँ पर बनते हैं, जो कई बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं, और आंकड़े आपको दिखा दें तो यहाँ पर झारखंड के लिए किस प्रकार के वोट शेयर हैं और किस पार्टी के लिए कौन यहाँ पर उनको समर्थन करता है, ये भी आंकड़े यहाँ पर जारी हो चुके हैं। और अगर बात करें तो 2019 के लिए सट्टा बाजार और कई बड़े एक्सपर्ट लोग जो यहाँ पर आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से JMM को अपने दम पर 28 सीटें जा सकती हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फाइनल आंकड़े नहीं है, ये सट्टा बाजार और कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की इन आंकड़ों में सहमति है और उनके आधार पर ही आपको ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर 29 सीटें जा सकती हैं, 2014 में उनको 37 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कुछ सीटों का यहाँ पर नुकसान होता नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से, उस सीटों में प्लस या माइनस भी हो सकती हैं। फाइनल आंकड़े आपको 23 दिसंबर को मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए 9 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस JMM का गठबंधन है, ऐसे में कांग्रेस को भी फायदा होता नजर आ रहा है। इसके अलावा RJD की बात की तो 2 सीट इनके खाते में जा सकती है। JMM कांग्रेस और RJD का गठबंधन को अगर आंकड़े आपको दिखा दें तो उनके खाते में 39 सीटें जा सकती है, ये सूत्र मीडिया के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है, और कह सकते हैं कि अब झारखंड के अंदर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। तो JMM काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, JMM का किसको समर्थन जाता है और उनकी ही मदद से झारखंड में अंदर सरकार बनेगी, आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला काफी बड़ी यहां पर भूमिका में थे और डिप्टी CM उनको पद दिया गया, तो JMM यानी बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी कि वो उनको समर्थन देते हैं। अगर बात की तो अन्य के खाते में भी 6 सीटें जा सकती हैं, ये सट्टा बाजार और कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की आंकड़ों के हिसाब से आपको ये तस्वीर दिखाई है झारखंड के लिए, तो झारखंड के लिए बेहद चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है झारखंड में किसकी बनेगी सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, तो अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे, और एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।